हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरी एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी दोपहर का टाइम है, बाहर हो जम के बारिश हो रहा है और मैंने लंच बना लिया है। बाहर इतना ज़ोर से बारिश हो रहा है और हमारा गर्मा गर्म खाना रेडी है। आज का ब्लॉग मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। आज 27 अगस्त और शनिवार है, तो अभी लंच करते हैं। बाहर तो इतना ज़ोर से बारिश हो रहा है, बताओ मत। बाप रे, कितना बारिश हो रहा है देखिए। आज बीच बीच में बिजली कड़कती है और कितना ज़्यादा बारिश हो रहा है देखिए। टाइम अभी 1 बजने वाला होगा, तो बारिश जम के हो रहा है और हमारा गर्मा गर्म खाना रेडी है। चावल दाल साथ में करेला का भुजिया और मैंने आलू की चटनी बनाई हूँ। सबके लिए लंच लगा दी हूँ। हस्बैंड खाए के ड्यूटी जाएंगे और बच्चे में सब खा के घर में रहेंगे और कहाँ जाएंगे। तो इधर हमारा चल रही है लंच। एप्पल ले लो, बैठ के खाओ। अभी आफ्टरनून के 4 बज रहे हैं। हस्बैंड लॉन्च करके ड्यूटी चले गए थे और हम तीनों ना थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, अभी उठ रहे हैं। कृष्णा को भूख लग रही थी तो वो बैठ के एप्पल खा रहा है। उसको फ्रूट से ना बहुत पसंद होता है, तो वो बैठ के एप्पल खा रहा है। और बुबू भी था, उसका दोस्त फ़ोन किया तो वो बात करने के लिए चला गया है। दोपहर को भी ज़्यादा बारिश हुआ था, बहुत ज़ोर से बारिश हुआ था। अभी भी फिर से बारिश शुरू हो गया है, बाहर बारिश हो रहा है। रात जैसे लग रहा है पर रात नहीं हुआ है। टाइम अभी 4 बज रहे हैं। ऊपर खेलने चलते हैं। अभी कैसे ऊपर खेलने जाओगे बारिश में? रेनकोट पहन के? नहीं, मुझे कुछ काम करना है। जो बॉटम और धागा लेके आई थी, तो कल मम्मी का ब्लाउज को आज रिपेयरिंग कर देती हूँ, मतलब उसमें बॉटम फिट कर लेती हूँ। मम्मी का ये 2 ब्लाउज है, एक ये डीप ब्लू कलर का है और एक ये स्काई ब्लू कलर का है। तो ये दोनों ब्लाउज को अभी मैं लगाती हूँ। तो इधर जो हुक है ये निकल रहा है, तो इधर मैं बॉटम फिट करूँगी और इस तरफ बॉटम होल बनाएंगे। तो दोनों का यही काम है। इसका भी हुक है, तो मम्मी को ना ये हुक पसंद नहीं है। हुक निकाल के इसमें बॉटम लगा देते हैं। ये ब्लाउज के लिए ये धागा सही रहेगा, साथ में ये वाले बॉटम्स। ये बॉटम को ऐसे करके सिलाई करते हैं। एक में ये वाले बॉटम सारे लग गए हैं और एक में बॉटम लगाएंगे। ये वाले बॉटम इसमें लगाएंगे ये वाला धागा से, इसके बाद बॉटम होल बनाएंगे। तो ये ब्लाउज में मैंने बॉटम भी लगा दी हूँ, ये बॉटम होल भी बना दी हूँ। बस इसको स्टिच करना है। दोनों में बॉटम होल बन गया है, इसको स्टिच करने के बाद ये क्लियर हो जाएगा। ये काम कब से पेंडिंग पड़ा था, तो देखिए आज मैंने कर ही लिया। तो देखिए बॉटम होल को मैंने सिल लिया है, अब ये ब्लाउज रेडी हो गया है। घर से कोई आएंगे या कोई जाएंगे इधर से, तो मम्मी के पास भेज दूँगी। तो बच्चों के लिए मैं इवनिंग स्नैक्स बनाई हूँ। आज कैबेज की पकौड़ा बना दी हूँ, साथ में टमाटर का चटनी। दोनों बच्चे बैठ के अभी खा रहे हैं। पकौड़ा बहुत टेस्टी लग रहा है, उनके साथ में मैं भी खा रही हूँ थोड़ा सा। स्नैक्स करने के बाद बच्चे दोनों गए पढ़ाई करने के लिए और मैं जा रही हूँ डिनर बनाने के लिए। तो डिनर बन के रेडी हो गया है, परवल आलू की सब्जी साथ में रोटी। हस्बैंड आज जल्दी ड्यूटी से आ गए हैं, तो इनको मैं लगा दी हूँ डिनर। पहले ये डिनर करने के बाद बच्चे और मैं बाद में डिनर करेंगे। कृष्णा को परवल पसंद नहीं है, सिर्फ आलू आलू छान के हस्बैंड उसके रोल बना के दे रहे हैं। और बुब्बू भी आ गया है, डिनर करते हैं। मैं भी साथ में डिनर कर लूँगी बच्चों के साथ मिलके। डिनर करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन क्लीन करने के लिए। किचन का जो गैस स्टोव, इसको क्लीन करके पूरा किचन काउंटर को क्लीन करके फिर मैं रेस्ट करने के लिए जाऊँगी।
लंच टाइम है, अभी 10:30 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ रेस्ट करने के लिए। तो आज का ब्लॉग को मैं इधर एंड करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स। सोने से पहले घर की खिड़कियाँ और दरवाज़ा को अच्छे से क्लोज करके मैं सोती हूँ। तो इसको क्लोज कर लेते हैं, सारे लाइट्स ऑफ कर लेते हैं, इसके बाद रेस्ट करने चलते हैं।